अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिलों पर पहुंचने की कोशिश करें, वो देख सकते हैं आप। ये चीकड़ है, आप देख सकते हैं कि 10 मिनट तक यहाँ पर बंदा अगर खड़े गिरेगा ही और क्या होगा यहाँ पर। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ पर जद्दोजहद के बाद गाड़ियाँ निकाली जा रही है। खराब होने का डर अलग और गिरने का डर अलग, और ऊपर से बारिश का जो असर है वो बहुत। मंजिलों पर पहुंचने की कोशिश करें, वो देख सकते हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित ऐशी। कैसे हैं लुधियानवीस? जैसे कि आप जानते हैं, आज अचानक से सुबह सुबह हुई बारिश के कारण काफ़ी मौसम में चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ठंडा मौसम हम महसूस कर रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं लुधियाना की सड़कों का हाल, कि थोड़ी सी बारिश होते ही क्या कुछ असर हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। जो गड्ढे हैं पूरी तरह से भर जाते हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पखोवाल रोड पे, जैसा कि आप जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ पर जद्दोजहद के बाद गाड़ियाँ निकाली जा रही है, और इस चीकड़ में लोग गुजरने को मजबूर हैं क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। और आपको मैं दृश्य पूरा दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, और बारिश के मौसम का जहाँ एक तरफ लोग आनंद मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों के कारण परेशान भी नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ निकलना तक मुश्किल है, और जैसा कि आप जानते हैं लुधियाना की सड़कों का हाल थोड़ी से बारिश के बाद ऐसा ही कुछ होता है। जो रंग बदलती है सड़कें लुधियाना की, बारिश थोड़ी सी बारिश होने के बाद वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। लेकिन अभी आपको मैं पखोवाल रोड पर लेकर आई हूँ, जहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद के बाद लोग निकाल रहे हैं, और भारी जाम भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं कि बहुत सहज तरीके से गाड़ी यहाँ से निकाली जा रही है, और लाइन पूरी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीकड़ के ऊपर से गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, और इस बारिश के मौसम का असर इन जो लोग हैं जो काम कार पे जाने वाले थे उन पे ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि समय भी इनका काफ़ी बर्बाद हुआ है और लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जो निर्धारित समय है काम पर पहुंचने के लिए, उससे भी लोग लेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाइक के ऊपर पैर रखते हुए भी लुधियाना बस ऐसे गुजर रहे हैं। बाइक पर भी आपने देखा दृश्य क्या कुछ है, इसलिए बाइक के ऊपर पैर रखा ताकि ये जो चीकड़ है कपड़ों पर ना पड़े और कपड़े ख़राब ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि कितने सहज तरीके से गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। और आइए आपको लुधियाना में थोड़े और जगह पे दिखाते हैं कि बारिश का क्या कुछ हाल हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको पूरा दृश्य यहाँ पर कैमरे के थ्रू दिखाएँ कि लुधियाना की सड़कों का हाल जो अभी बारिश के कारण हुआ बेहाल। देख सकते हैं यहाँ से निकलना तक कितना मुश्किल है, पैदल तो हम बिल्कुल निकल ही नहीं सकते, और जाम काफ़ी लंबा यहाँ पे लगा हुआ है। और जो दुकानदार हैं इनकी स्थिति भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए बाइक और ये साइकिल, कैमरामैन को कहूँगी झूम करके वो आपको ये दृश्य दिखाएं। निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े ख़राब पहली बात, और दूसरा यहाँ पर अगर स्लिप करके गिरे तो चोट बहुत ख़तरनाक लगने वाली है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक नज़रें आपकी जाए, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे निकल रहे हैं इस कीचड़ से। ये देखिए, आगे कैमरामैन को कहूँगी वो दिखाएं आपको कि यहाँ उधर से हमने दिखाया आपको क्रॉसिंग से लेकर यहाँ तक कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बेहद मुश्किल से लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कपड़े ख़राब होने का डर अलग और गिरने का डर अलग, और ऊपर से बारिश का जो असर है वो बहुत सहज तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। ये देखिए, रफ्तार बिल्कुल धीमे करके निकल रहे हैं, क्योंकि कभी भी स्लिप हो के कोई भी दुर्घटना घट सकती है। सड़कों के कारण जो आवाजाही है इस तरह से प्रभावित हो रही है, बारिश का ये कुछ असर है हमारे लुधियाना की सड़कों पर। आइए आपको एक और साइड दिखाती हूँ मैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और लोग जान को जोखिम में डालकर वहाँ से क्रॉस करने को मजबूर हैं। और आपको मैं वो दृश्य पहले दिखाती हूँ, तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद मैं आपको आप स्थिति उनकी समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए मजबूर हैं।
कहते हैं कि ये बारिश का कुछ हाल है और वो मैं इस जगह की बात कर रही हूँ कि किस तरह से लोग जान को जोखिम में डालकर निकलने को यहाँ से मजबूर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गाड़ियाँ आपस में टकराई भी थी यहाँ पे, हो भी क्यों ना, इतनी सी जगह है और ऊपर से लोग इस तरह से निकल रहे हैं। ये कुछ हाल में दृश्य आपको दिखा रही हूँ जो कि यहाँ पखोवाल रोड के पास ही है ये जगह, जहाँ से लोग इस तरह से निकल रहे हैं। और एक्टिवा बाइक निकालना कितना मुश्किल है, और जब बारिश का ये कुछ असर हो, जब चीकर हो और मिट्टी बिल्कुल दबी हो, गीली हो, तो सोच सकते हैं आप कि कितनी मुश्किल से लोग यहाँ से निकल रहे होंगे। ये पूरी तस्वीरें हैं आपको मैं दिखा रही हूँ, आप खुद ही देखकर इनकी स्थिति परिस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से ये कितने रिस्क के साथ यहाँ से निकल रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिलों पर पहुँचने की कोशिश कर, वो देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारे सामने हमने देखा। ये देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे और गिर गए ये। आइए इनसे बातचीत करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं इनके पैरों पे भी मिट्टी पूरी तरह से लग गई है और ये एक्टिवा का भी हालत तो ख़राब हो गया, बट कह रहे हैं कि नहीं बच गए। सामान भी लेकर जाना यहाँ से जान को खतरे में डालने के बराबर है। और ये चीकड़ है, आप देख सकते हैं कि 10 मिनट तक यहाँ पर बंदा अगर खड़े गिरेगा ही और क्या होगा यहाँ पर। ये देखिए बाइक यहाँ से निकालना कितना मुश्किल है। ये इसी जगह की मैं बात कर रही थी जहाँ पर लोग इस तरह से चीकड़ में रिस्क के साथ निकलने को मजबूर है। ये देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है यहाँ से निकलने के लिए। ये देखिए, वो देखिए, कैमरामैन को कहूँगी ये दृश्य आपको पूरा दिखाए, पहले आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं क्या बयान करूँगी, आप खुद ही तस्वीरों से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है और कितनी मुश्किलों से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। आप सभी तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि लुधियाना में थोड़ी सी बारिश हो तो सड़कें भरना आम बात है और जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है। और उसके बाद जहाँ एक तरफ बच्चे चपाक चपाक करके मस्ती करते हुए भी नज़र आते हैं बारिश के मौसम में, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का ये भी पहलू है जहाँ पर लोग रिस्क के साथ जान को जोखिम में डालकर सड़कों को पार करने के लिए मजबूर है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बारिश का क्या कुछ असर रहा, बारिश के कारण लुधियाना की सड़कों का हाल हुआ बिल्कुल बेहाल, ये तस्वीरें बयां करके दे रही हैं। इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहे जनहित ऐशी के साथ। धन्यवाद।